आइए आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ हमारे दो हॉस्पिटल हैं जहाँ मनोरोगों का इलाज करते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। यहाँ हम लोगों को ऑनलाइन सलाह देते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। अभी जो मेरे पास में एक पेशेंट भर्ती है, दाखिल है हॉस्पिटल में, उसको पेन किलर के टैबलेट्स की लत लग गई थी। उसका नशा उसको चढ़ता था और वो पेन किलर की टैबलेट का नशा करने के लिए, मतलब वो नशा करता है इसलिए 15-20 गोलियां खाता था। तो उसको अफीम का भी मतलब ये था, उसको लत थी अफीम लेने की पहले शुरुआत में, और बाद में फिर जैसा अफीम बंद किया तो बदन में बहुत तकलीफ़ दर्द होता था अफीम नहीं लिया तो फिर उसने ये पेन किलर की गोली चालू किया और कम से कम 15-20 गोलियां रोज़ की खाता है वो। और उसके वजह से फिर, और वो नहीं खाया तो वो चल फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, बहुत विड्रॉल सिम्टम आ जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसका इलाज, उसका एडिक्शन, उसको लत लग गई है। तो आइए देखते हैं उसको, वो क्या बोलता है। तो हाँ, इस पास में वो टैबलेट ले रहा था लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कौन सी टैबलेट? स्पास्मोप्रोक्सीवन टैबलेट ले रहे थे। जी सर। कितनी टैबलेट ले रहे थे रोज की? उसका करीबन 15-20 गोली ले रहा था। 15-20 गोली रोज खा रहे थे जी, रोज। और वो कैसी आदत लग गई? आदत तो मैं पहले मतलब बचपन में अफीम खाता था। बचपन में अफीम खाते थे? हाँ। अफीम की वजह से हुई थी। फिर मेरे को चेन्नई में पता चला कि अकोला में एक ऐसा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास में जाने से आपका ये हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व, इसीलिए मैं चेन्नई से यहाँ तक आया हूँ। कहाँ से आए? चेन्नई। चेन्नई से आए? हूँ, राजस्थान का है। राजस्थान से? जी हाँ। तो 15-20 स्पास्मोप्रोक्सीवन खा रहे हैं जी हाँ। और कौन सी गोली खा रहे हैं? और कोई भी नहीं। और कोई नहीं है जी? नहीं। और कौन सा शौक है? और कोई भी शौक नहीं है। हाँ, अभी यहाँ 2 दिन से एडमिट है। अच्छा, भर्ती है ना? अच्छा, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो चलो जल्दी अच्छे हो जाओ, है ना? जी सर, ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू। आपके कौन है ये? मैं संत का लड़का हूँ। अच्छा, आप बताइए क्या हो रहा था इनको? इनको क्या ना, अभी वो गोली नहीं थी, नहीं ले रहे थे ना पहले, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना। हाँ। तो फिर आपके हॉस्पिटल के बारे में सुना तो सब यहाँ पर लेके आया। हाँ हाँ। 2 दिन में ऐसा हो रहा है कि अभी एकदम गोली का कोई जरूरी नहीं है। हाँ। कि आपका मेडिकल अच्छा था इसलिए बहुत सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा ये, इसमें हमने उनको एडमिट किया, अभी 2 दिन से एडमिट है और हम उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक तो आता है कि ग्रेजुअली वो जो लत है वो धीरे 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 कम करो, मतलब उसकी मात्रा कम कम करते जाओ। और दूसरा है कि कोल्ड टर्की ट्रीटमेंट। कोल्ड टर्की ट्रीटमेंट मतलब एकदम सडनली बंद कर डालो और जो तकलीफें हो रही है उसका इलाज करो। तो हमने उसको स्ट्रिक्टली नींद की गोली नहीं दिया, स्ट्रिक्टली पेन किलर नहीं दिया उसको। उसके समाधान के लिए मैंने उसको बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन ये दिया। जब वो तकलीफ बोलता है, बहुत तकलीफ है, मैं उसको मल्टीविटामिन दे रहा हूँ या बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ दे रहा हूँ, ताकि उसको ऐसा लगता है कि हाँ अभी मुझे कुछ तो भी दवाई मिल रही है और मैं अच्छा हो रहा हूँ, और उससे वो फ़र्क भी उसको पड़ रहा है। तो इस तरह हम इसका इलाज करते हैं। कोई भी लत जो है वो ठीक नहीं है, मगर क्या होता है कि एक तो ये जो है शराब का है, गांजा है, कैनाबीज मतलब है, या फिर अफू चरस लोग लेते हैं, फिर वो कुछ लोग सूंघते हैं ना जैसे, तो फेविकॉल या जैसे बाकी भी और कोई जो नशीले पदार्थ है जो सूंघते हैं बच्चे और वो सूंघ के उनका उनकी नशा करते हैं, या फिर लोग गोलियां खाते हैं। अभी एक मेरे पास में था पेशेंट आया हुआ, वो अल्प्रासलाम की गोली 50-60 गोलियां रोज खा रहा था। 50-60 गोलियां रोज अल्प्रासलाम की खा रहा हूँ, और मतलब उसको ऐसा चन्नी फुटान जैसे खा रहा हूँ। 50 गोलियां किसको बोलते रोज, 0.25 मिलीग्राम की, और उसको कुछ नहीं हो रहा। खाया नहीं तो उसको प्रॉब्लम है, उसको भी हमने दाखिल कर लिया, उसका भी इसका इलाज चालू है। कोई भी लत बेकार है, मगर एक बार वो ब्रेन को लत लग गई तो ब्रेन को विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और उसका इलाज करना जरूरी होता है। तो लोगों को आप ये वीडियो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी आती है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।